नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बज रहे हैं और वक्त हो गया है दंगल का। और दंगल में आज बात बॉलीवुड के दंगल की। जी हां, फिल्म इंडस्ट्री का दंगल अब इस मोड़ पर आ गया है कि कहानी फिल्म इंडस्ट्री के बंटवारे तक आ गई है। कंगना रनौत ने तो जैसे बॉलीवुड के कायाकल्प की कसम खा ली थी। वो न सिर्फ बॉलीवुड में फैली गंदगी पर झाड़ू चलाना चाहती है, बल्कि बॉलीवुड को मुंबई से दूर बसाने का स्वागत भी कर रही है। आज कंगना ने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय को ट्वीट कर दिया और वन नेशन वन फिल्म इंडस्ट्री का दाव चल दिया। इस दाव के पीछे यूपी में सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने का योगी सरकार का ऐलान है। आपको बता दें, इसी दंगल कार्यक्रम में बॉलीवुड से जुड़े गीतकार मनोज मुंतशिर ने सवाल उठाया था कि जब तमिल फिल्म इंडस्ट्री चेन्नई में है, तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री तेलंगाना में है, तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री महाराष्ट्र में क्यों है। और आज यूपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक भव्य फिल्म सिटी बनाने का ऐलान कर दिया। क्या यह बॉलीवुड के बंटवारे की नींव है? आज की बहस इसी पर होगी। पहले यह रिपोर्ट। देश के किसी भी कोने में जो सिनेमा है वो वहां की भाषा से जुड़ा हुआ है। तमिल फिल्में कहां बनती हैं? तमिलनाडु में, चेन्नई में। तेलुगु फिल्में कहां बनती हैं? तेलंगाना में। और हिंदी फिल्में कहां बनती हैं? महाराष्ट्र में। ये क्या बात हुई? हिंदी फिल्में उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बन सकती? अगर आपके मन में भी यही सवाल आता है तो इसका जवाब योगी सरकार के पास है, जो यूपी में देश की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाने की प्लानिंग कर रही है। तो क्या मुंबई से छिन जाएगी उसकी सबसे बड़ी पहचान? मत आजमाने के लिए मुंबई की खाक नहीं छाननी होगी। इसी का पता मुंबई से बदलकर नोएडा या ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। भला शरीर और आत्मा की तरह बंधे मुंबई और बॉलीवुड को कौन जुदा कर सकता है? इसकी जरूरत क्या है? पूरी कहानी समझने के लिए कंगना रनौत के ताजा ट्वीट को पढ़िए कि ताकत होती है। लेकिन पहले उन सभी अलग अलग फिल्म इंडस्ट्री को साथ लाना होगा जिनकी अपनी अलग पहचान तो है लेकिन कोई सामूहिक पहचान नहीं। कृपया सबको एक साथ लाए जैसे अखंड भारत और हमें इस दुनिया में नंबर वन बना सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए कंगना रनौत ने ये ट्वीट किया है, जो चाहती है कि वन नेशन की तरह एक छत के नीचे कई फिल्म इंडस्ट्री एक साथ काम करे और फिल्म इंडस्ट्री का ठिकाना मुंबई से यूपी हो जाए। दरअसल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर मुंबई की बादशाहत को टक्कर देने के लिए योगी सरकार यूपी में देश की सबसे बड़ी और खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की तैयारी कर रही है। ये फिल्म सिटी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में हो सकती है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कार्य योजना बनाने को कहा है। किया गया है कि सभी लोग अपने अपने प्रस्ताव भेजेंगे कि उनके पास उपलब्धता कहाँ है और क्या क्या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके आधार पे ही जो प्रस्ताव होंगे या जो कंपनियां होंगी वो अपना निश्चय करेंगी तथा डिस्कशन करके इस संबंध में आगे बढ़ेंगी। योगी सरकार के इसी ऐलान को कंगना रनौत ने हाथों हाथ लपक लिया और इसी के बहाने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ठिकाना बदलने की अपील भी कर डाली। कि आदित्यनाथ जी के ऐलान की तारीफ करती हूँ। हमें फिल्म इंडस्ट्री में कई सुधार करने की जरूरत है। सबसे पहले हमें एक बड़ी फिल्म इंडस्ट्री चाहिए जिसे भारतीय फिल्म इंडस्ट्री कहा जाए। हम कई फैक्टर्स पर बटे हुए हैं जिसका फायदा हॉलीवुड फिल्म को मिलता है। एक इंडस्ट्री पर कई फिल्म सिटीज। आज तक पर गीतकार मनोज मुंतजर ने भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को यूपी में बसाने की अपील की थी, जिसे योगी सरकार ने अनसुना नहीं किया। जबकि हमारी इंडस्ट्री हमारे स्टेट में होनी चाहिए, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री यूपी में होनी चाहिए, झारखंड, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में होनी चाहिए, एमपी में होनी चाहिए। हमारी सरकारों को कभी ये ख्याल नहीं आया। उत्तर प्रदेश की भाषा को, हिंदी को उसका सिनेमा वापस लौटाए जाने का वक्त आ गया। एक वक्त था जब बड़े शहरों में सपनों के नाम पर कई फिल्में बनती थी, लेकिन अब फिल्मों की कहानी छोटे शहरों की जिंदगी के इर्द गिर्द भी घूम रही है। बरेली की बर्फी, जिला गाजियाबाद, लखनऊ सेंट्रल, जॉली LLB 2 जैसी फिल्में यूपी की पृष्ठभूमि पर बन रही है। योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और बधाई भी देना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिल्म स्टूडियो बनाने का निश्चय किया है, फिल्म सिटी बनाने का निश्चय किया है। ये बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश ने कितना ही योगदान दिया है फिल्म इंडस्ट्री में, कितने ही लोगों के कारण आज फिल्म इंडस्ट्री चमक रही है, वो उत्तर प्रदेश की। योगी सरकार के ऐलान पर कंगना ने वन नेशन वन फिल्म इंडस्ट्री का दावा खेला है, लेकिन अभी ये सब दूर की कौड़ी लग रहा है। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं बॉलीवुड के जाने माने गीतकार मनोज मुंतशिर, हमारे साथ हैं जानी मानी लोक गायिका मालिनी अवस्थी, हमारे साथ हैं जाने माने अभिनेता रजा मुराद और एक और जाने माने अभिनेता अरुण बख्शी। आप चारों का स्वागत है आज तक पर।
दंगल कार्यक्रम में। सबसे पहले मनोज मुंतशिर, खुश तो बहुत होंगे आज आप, क्योंकि आपने 3 दिन पहले इसी कार्यक्रम में बैठकर कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री महाराष्ट्र में क्यों, यूपी में क्यों नहीं, और आज यूपी की सरकार ने ऐलान कर दिया कि हम यूपी में बनाएंगे फिल्म सिटी। एक शेर याद आ रहा है मुझे रोहित, मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह, मुद्दत के बाद उसने जो की लुत्फ की निगाह, जी खुश तो हो गया मगर आंसू निकल पड़े। बड़ा ही जज्बाती मोमेंट है हम सब के लिए, जितने भी लोग इस वक्त इस पैनल में बैठे हुए हैं इनके लिए भी, और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। हमारी भाषा को हमारा सिनेमा मिले, ये मांग पिछले काफी दिनों से चली आ रही थी। मैंने भी इस आवाज मिलाई, मालिनी जी ने इसको पूरा बल दिया, अपना अपनी ताकत दी, और आज देखें मैं बहुत खुश हूं कि हमारे पास वाकई एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जिसने इतनी जल्दी टर्न अराउंड किया, कोई योजना के चक्कर में हमारी मांग को घुमाया नहीं कि ठीक है इस पर विचार किया जाएगा, सोचा जाएगा, बिल्कुल नहीं, तुरंत एक्शन लिया, तुरंत कार्यवाही हुई। और इससे बड़ी खुशी का दिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के कलाकारों के लिए, ये उत्सव का दिन है, ये उनकी दिवाली है, ये उनका ईद है, इससे बड़ा दिन नहीं हो सकता। लेकिन मनोज मुंतशिर, मुख्यमंत्री तो एक प्लॉट दे सकता है, वो आपको कुल मिला के एक पूरी व्यवस्था दे सकता है, सुभाष घई नहीं दे सकता, वो आपको अमिताभ बच्चन या करण जौहर नहीं दे सकता, वो उन्हीं कलाकारों को तय करना होगा कि महाराष्ट्र की फिल्म इंडस्ट्री मानते हैं उसको या देश की मानते हैं, और जो उत्तर प्रदेश में बनेगी उसको यूपी की मानेंगे या देश की मानेंगे। ये एक और विवाद की तरफ तो नहीं बढ़ गए हम? नहीं 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 रोहित जी सुनिए, ये कोई विभाजन नहीं हो रहा है, पहली बात तो इसको बंटवारे की तरह देखना बंद करते हैं। ये आज पहली बार ऐसा है कि दंगल पे दंगल की जगह मंगल खबर सुनने को मिली है, बड़ी शुभ और मंगल खबर है ये, इसमें कोई बंटवारा नहीं है। हमने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक और घर दे दिया, एक घर था महाराष्ट्र मुंबई, बहुत अच्छी बात है, हमने एक और घर दे दिया, वो घर जो उसके पुश्तैनी घर के और ज्यादा करीब है, जहां उसको होना चाहिए, तो कोई परेशानी का मुझे लगता नहीं कोई सबब है। आज हिंदी फिल्में हैदराबाद में भी जम के बन रही है, जो हमारा रामूजी स्टूडियो है आप जाएं वहां, मेरी हर दूसरी फिल्म की शूटिंग वहां हो रही है और अच्छी खासी तरीके से हो रही है। तो अच्छा है कि अब हिंदी भाषा का जो प्रांत है वहां होगी हमारी शूटिंग्स, वहां बनेंगी हमारी फिल्में, और आप देख लीजिएगा टैलेंट तो वहीं से निकला है, उस टैलेंट की बात मैं कर रहा हूं जो ग्रासरूट टैलेंट है, मैं लेखकों से लेकर निर्देशकों से लेकर इन सब की बात कर रहा हूं, जो जड़ में होते हैं, जो पेट्रोल है। मैंने हमेशा एक बात कही है कि नेपोटिज्म गाड़ी बना सकता है, नेपोटिज्म पेट्रोल नहीं बना सकता, पेट्रोल मिट्टी से निकलता है, हम पेट्रोल है, ये पेट्रोल उत्तर प्रदेश की धरती से आता रहा है और अब वहीं का पेट्रोल वहीं खपेगा, वहीं की गाड़ी में लगेगा, और एक बहुत खूबसूरत जिसका सपना मेरी आंखों ने देखना शुरू कर दिया है। बख्शी जी, आप इसको बंटवारे की तरह देखते हैं कि नहीं? जी बंटवारा तो बिल्कुल नहीं है, बट खुशी की बात यह है कि सिनेमा आगे जा रहा है। यूपी को मैं आपको बताऊं, यूपी इतना बड़ा प्रांत है, हमारे सबसे बड़े कलाकार मिस्टर दिलीप कुमार ने जब उनका करियर शुरुआत हुई थी तो यूपी का इस्तेमाल किया गया था, आपको याद है गंगा यमुना और ऐसी कई फिल्में बनी है वहां पे। और आज आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी, प्रैक्टिकल बात आपने बोली है, वो ये है कि वो जो चीफ मिनिस्टर है, द ग्रेट चीफ मिनिस्टर, ही कैन गिव द प्लॉट, वो एक बॉडी दे सकता है, एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकता है, लेकिन उसके अंदर की जो आत्मा है उसको क्रिएट करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। यही से वही जो एटीट्यूड है, सिनेमैटिक एटीट्यूड वाले लोग हैं वहां पे जाने चाहिए। मुझे खतरा इस बात का है, इस बात का खतरा है कि कहीं इस प्लॉट को, इस भव्य जो फिल्म सिटी है, इसको बनाने के बाद में फेक लोग ना आ जाए, जिन लोगों का एटीट्यूड है, जो लोग समझते हैं कि इस सिनेमा को बहुत आगे लेके जाना है, वो आए, और उनके जो डायरेक्टर्स हो वो 80 प्लस के ना हो, और जो कि आलसी 50 साल पहले उन्होंने काम किया था, उसके डायरेक्टर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू बी वेरी गुड। जब तक वो आत्मा अंदर नहीं जाएगी, वो चीज उस लेवल पे नहीं आएगी। आई प्रिज्यूम कि मेरे साथीगण जो हैं वो मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। एंड बड़ी खुशी की बात है, आई एम सो हैप्पी, ये बंटवारा नहीं है, ये एक्सटेंशन है। जहां पे कैमरा होता है वहां पे वो फिल्म इंडस्ट्री होती है, वहां का जो यहाँ का डायरेक्टर और उनको सहूलत जो मिलनी चाहिए वो आई एम श्योर कि यूपी से मिलेगी और मिलती रहेगी सर, डेफिनेटली मिलती रहेगी, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। लेकिन ये बात निकली कहां से रजा मुराद साहब? ये बात निकली तो वहीं से ना कि बॉलीवुड पर असल में कुछ जमींदारों का कब्जा है।
आरोप ये लगा कि बॉलीवुड में कुछ फैमिलीज फर्स्ट फैमिली, सेकंड फैमिली, थर्ड फैमिली बन गई हैं और वो तय करती हैं किसी लेखक का, किसी गीतकार का, किसी गायक का, किसी अभिनेता का, किसी अभिनेत्री का करियर ग्राफ कितने दिन तक आगे बढ़ेगा और किसके बाद गड्ढे में उसको जाना है। इससे बाहर निकालने के लिए सवाल उठा था कि फिल्म इंडस्ट्री को महाराष्ट्र से बाहर निकालिए, मुंबई का कब्जा खत्म कीजिए, तो क्या यह बंटवारा नहीं है? नहीं, मैं इसे बंटवारा नहीं मानता, मैं इसे एकता मानता हूं, क्योंकि मुंबई ने ही फिल्म इंडस्ट्री को जन्म दिया है। मुंबई अपनी जगह कायम रहेगा और योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत ही एक अच्छी शुरुआत का ऐलान किया है। मैं तहे दिल से उसका इस्तकबाल करता हूं। उसकी वजह यह है कि जैसा कि सब की मांग थी कि यूपी में स्टूडियोज होने चाहिए, तो एक इसकी शुरुआत हो गई है, बुनियाद डल गई है। तो मेरे लिए तो ये दोहरी खुशी इसलिए है कि मैं पिछले 50 साल से इसी फिल्म इंडस्ट्री का एक छोटा सा हिस्सा हूं और उसके साथ साथ यूपी से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। मैं ज़िला रामपुर का मैं बाशिंदा हूं, यूपी का हूं। तो यूपी ने तो बहुत कलाकार दिए हैं, वो अमिताभ बच्चन हों, वो उस्ताद अलाउद्दीन खान हों, वो बिस्मिल्ला खान हों, वो मुंशी प्रेमचंद हों, वो बहुत लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त है। मजरू सुल्तानपुरी हों, फिराक गोरखपुरी हों, तो बहुत क्रिएटिव लोग दिए हैं। तो इससे क्या होगा, देखिए जो एक इसमें जो एक पॉजिटिव बात आने वाली है कि बहुत से कलाकार जो मुंबई आना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से नहीं आ पाते, क्योंकि मुंबई जो है एक बहुत ही महंगा शहर है और घर से इंसान जब दूर रहता है तो उसका मॉरल भी जो है वो बहुत डाउन रहता है। इससे क्या होगा कि मकामी कलाकारों को, स्थानीय कलाकारों को काम मिलेगा। और मैं योगी जी से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि जब वो प्रोड्यूसर्स को यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं, उनको सब्सिडी भी मिलेगी, उनको फैसिलिटी भी मिलेगी, उनकी फिल्मों का टैक्स माफ भी होगा, लेकिन ये शर्त रखनी चाहिए कि 20% कलाकार जो हैं वो स्थानीय होंगे, वो लोकल कलाकार होंगे। देखिए अभी आप में से किसी ने कहा कि वहाँ करण जौहर नहीं है और वहाँ अमिताभ बच्चन नहीं है। मौका मिलेगा तो करण जौहर भी बनेंगे और अमिताभ बच्चन भी बनेंगे, मौका तो मिलना चाहिए। तो मौका मिलेगा, यूपी के कलाकारों को मौका मिलेगा और यूपी में भंडार है, टैलेंट का भंडार है यूपी में, तो मौका मिलेगा, लेकिन शर्त होनी चाहिए ठीक कि आप 20% कलाकारों को आप यहां से लेंगे, लोकल कलाकारों को आप लेंगे। और मैं समझता हूं कि प्रोड्यूसर्स को भी कोई आपत्ति नहीं होगी, इकोनॉमिकली उनके लिए भी अच्छा होगा कि तमाम आप कलाकारों को आप मुंबई से एयरलिफ्ट करके यहां बुला रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा होगा, इकोनॉमिक के हिसाब से भी अच्छा होगा और कलाकारों के लिए भी बहुत अच्छा होगा। वो अपने ही प्रांत में रहेंगे, अपने ही प्रदेश में रहेंगे, अपने ही शहर में रहेंगे और उन्हें कीर्ति की भी प्राप्ति होगी और ख्याति की भी प्राप्ति होगी। ठीक है, तो लेकिन माननीय जी, माननीय जी, मैंने खबर का मैं दिल की गहराइयों से, आपने बड़ी तारीफ की कि अब फिल्म सिटी बनेगी उत्तर प्रदेश में। इत्तेफाक से माननीय जी, जहां मैं बैठा हूं आपसे बात कर रहा हूं, ये फिल्म सिटी कही जाती है, यहां अभी सारे न्यूज चैनल्स काम करते हैं। दूसरी बात, 2015 में माननीय अवस्थी अखबार में खबर छपी है, मैं पढ़ के सुना देता हूं। अखिलेश यादव गिव्स नॉट टू टू फिल्म सिटीज और इनमें से एक उन्हीं रवि किशन साहब के लिए अप्रूव की गई थी, जो आज बीजेपी के सांसद हैं और जो आज ताली भी बजा रहे हैं इस बात पर के देखिए योगी जी ने कितना बड़ा काम कर दिया। ये बड़ा काम तो उन्होंने अखिलेश यादव से भी करवा लिया था मान लीजिए, उसका क्या हुआ, ये कोई पूछेगा उनसे? सबसे पहले तो मैं कहना ये चाहूंगी कि आज बहुत प्रसन्नता की बात है और बहुत बहुत हर्ष मंगल के दिन है। आपने जो प्रश्न पूछा है ये राजनीतिक पूछा है मुझसे। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को बाकी मुख्यमंत्रियों की तरह से आप नहीं देख सकते। उन्होंने यदि घोषणा की है तो उस पर अमल होगा, पहली बात। ये चुनावी घोषणा नहीं है, एक बात। दूसरी बात ये, आपने जिस फिल्म सिटी का घोषणा करी और आपने उसका जिक्र किया कि आप खुद वहीं से बैठ कर अभी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश के सामने इस प्रकार की जो घटना जिसका जिक्र आपने किया है, चाहे ये
80 के दशक में बनी हुई फिल्म सिटी हो, जिसमें उस जमाने में यश चोपड़ा जी ने भी आकर के प्लॉट लिया था, सुभाष घई जी सब ने लिया था, या फिर ये जो आपने भी बताया कि एक घटना आपने पिछले सरकार के समय की बताई, ये उदाहरण ये नजीर भी इस वर्तमान सरकार के सामने हैं और उन्हें पता है कि इस प्रकार की घोषणा में इस प्रकार के प्रश्न होंगे, जिज्ञासाएं आएंगी और शंकाएं भी आएंगी। कभी कभी इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो एक तरह से आपके लिए सहायता करती हैं ये समझने का कि क्या गलतियां हुई जो न की जाएं। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, ये दुर्भाग्य है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में गंभीरता से इस विकल्प पे क्यों नहीं सोचा गया। हम जब मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, आजादी के पहले लाहौर और मुंबई दो जगह फिल्मों का निर्माण होता था। आप पुराने वहां के स्टूडियो यदि देखें, फिल्मिस्तान शशधर मुखर्जी जी ने बनाया, देविका रानी जी जिनके संग अशोक कुमार जी थे, आप महबूब स्टूडियो देखें तो महबूब खान जी ने बनाया, सबने बाहर से आकर के बनाया। और फिर वो एक आजादी के बाद लाहौर चला गया तो मुंबई वो ऐसी जगह हो गई जहां पे सारा बेशुमार टैलेंट, लिखने वाला, शायर, किताब, यहां से लिखने वाले कौन कौन जाते थे और कहां कहां से जाते थे, पूरे हिंदुस्तान में पंजाब से भी गए, उत्तर प्रदेश से भी गए, शकील साहब, आप कितने जितने भी मजहर मजहूर सुल्तानपुरी साहब, आप जितने लिरिसिस्ट आप देखें, आप म्यूजिक डायरेक्टर्स देखें, सब गए कहाँ से, धुने कहाँ की बनती थी और कहानियाँ कहाँ की बनती थी और इन पिक्चरों का सबसे बड़ा मार्केट भी कहाँ का था। इस बात को जानते हुए भी शायद कभी किसी ने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि मुंबई का दूसरा विकल्प किसी को लगता नहीं था। पिछले 10-15 वर्षों से जिस तरह से क्षेत्रीय मार्केट इतना बड़ा हुआ है, क्षेत्रीय फिल्मों की क्वालिटी इतनी बड़ी हुई कि आज मुंबई की फिल्मों को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं, तमिल, तेलुगु और बांग्ला फिल्में भी वहाँ पर। आज पिछले 7-8 वर्षों की बात करूँ तो लखनऊ में वेब सीरीज और फिल्मों का निर्माण उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में हो रहा है, जो बात अभी रजा मुराद साहब कह रहे थे कि 20% फिल्म कास्ट लोकल ने, ये बिना शर्त के दरअसल प्रोड्यूसर डायरेक्टर आजकल कर रहे हैं क्योंकि ये इकोनॉमिकल भी पड़ता है और टैलेंट उनको मिलता भी है इस प्रकार का। मुझे लगता है आपने जो बात मनोज जी से भी पहले कही कि जमीन का एक टुकड़ा देने भर से कोई नहीं आएगा, ये बात सबको पता है। दूसरी बात, कोई भी स्थापित नाम अपनी बनी बनाई दुनिया को छोड़कर यहाँ पे क्यों आएगा, ये बात भी समझी जा सकती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके सपने हैं, अरमान है, मुंबई भी एक दिन में नहीं बनी, मुंबई भी रातों रात नहीं बनी, बहुत सारे गुणी लोगों ने मिलकर के मुंबई को बनाया। सवाल किसी और सपने जब हम आज बात करते हैं टैलेंट की, तो यदि हम सबके ओरिजिन की बात करने लगे, यहाँ अगल बगल रहने वाला कोई भी व्यक्ति, या मनोज मुंतशिर को ही सोच लीजिए जो अमेठी से निकल के वहां पहुंचे मुंबई और आज गीतकार के तौर पर स्थापित है, हो सकता है वो 10 साल पहले वो पहचान पा जाते अगर अमेठी बिल्कुल के बगल में फिल्म सिटी कहीं ग्रेटर नोएडा में उस वक्त खड़ी होती और फिल्में वहां से बन रही होती। लेकिन मसला यह है, राजू श्रीवास्तव हमारे साथ आ गए हैं और राजू के साथ अच्छी बात यह है कि वो फिल्म विकास के एक सदस्य के तौर पर भी काम कर रहे हैं, इसके पहले फिल्म इंडस्ट्री की राजनीति भी देख चुके हैं और टीवी की राजनीति भी देख चुके हैं। अब राजू श्रीवास्तव जी, मसला क्या है? मसला वहां से शुरू हुआ था जहां लड़ाई आ गई इस बात की कि मुंबई में बाहरी समझा जाता है, यूपी से आने वाले को बाहरी समझा जाता है, बिहार से आने वाले को बाहरी समझा जाता है, किसी और जगह से आने वाले को। तो अब क्या ये बाहरी वाला झगड़ा खत्म हो जाएगा अगर यूपी में फिल्म इंडस्ट्री बन जाएगी? राजू श्रीवास्तव जी, मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो टैलेंटेड लोग हैं, चाहे सिंगर्स हो, टेक्नीशियन हो, एक्टर हो, कोई भी हो, वो उनमें टैलेंट तो बहुत है लेकिन मुंबई जाने के लिए घबराते हैं, सोचते हैं हम कहाँ रहेंगे, हम उसका किराया कैसे देंगे, बिजली का बिल कैसे हम दे पाएंगे। तो वो कई लोग बॉम्बे जाते नहीं हैं और उनको उस तरह से चांस मिलता नहीं और वो टैलेंट बर्बाद हो जाता है। तो मुझे लगता है कि मुंबई के पास एक फिल्म सिटी है अपनी खुद की, हैदराबाद में फिल्म सिटी है, उत्तर प्रदेश जो इन सबसे बड़ा प्रदेश है उसके पास एक भी फिल्म सिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिल्म सिटी बन जाए, ये सब सारे कलाकार अपने ही घर में रह के, अपने घर के आसपास उतना ट्रेवल करके वहाँ जा पाएंगे, शूटिंग कर पाएंगे और इस तरह से शुरुआत कर पाएंगे। और अभी मैं इनको रजा भाई को सुन रहा था, रजा मुराद जी को, तो मैं रजा भाई की को बता दूं कि जैसा कि आपने बताया, मैं फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में चेयरमैन हूँ, तो ये जो स्थिति है वहाँ पहले से ही यूपी के कलाकार लिए जा रहे हैं। हिंदी फिल्म अगर यूपी में शूट करेंगे
तो 5 प्रमुख कलाकार लेने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश के, और अगर क्षेत्रीय भाषा की फिल्म अगर वहाँ शूट होती है, अवधी हो चाहे भोजपुरी हो या बुंदेलखंडी हो या ब्रिज भाषा में हो, तो फिर वहाँ के 12 कलाकार लेने होंगे। तो इस ये ऑलरेडी ये नियम वहाँ लागू है और इसी हिसाब से वहाँ शूटिंग हो रही है और सबको सब्सिडी वगैरह मिल रही है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल का जवाब नहीं है मनोज जी, जिस लड़ाई को लेकर मनोज मुंतशिर आप खड़े हुए कि हमको बाहरी कहा जाता है, जिस लड़ाई को लेकर आप खड़े हुए कि हमको ये कहा जाता है अगर आवाज़ उठाते हैं कि थाली में छेद कर रहा है, वो आवाज़, वो झगड़ा, वो बहस कैसे बंद होगी अगर कुछ फिल्में यूपी में बनने लगेंगी और कुछ मुंबई में बना करेंगी? तो मनोज मुंतशिर, देखिए ये तो पूरी तरह से चॉइस लोगों की होगी, जो फिल्म मेकर्स हैं। आप ये समझें कि अगर हम एक फेवरेबल एटमॉस्फेयर बनाएंगे, सही माहौल, सही जगह बनाएंगे, अभी तो आदरणीय योगी जी ने एक घोषणा की है, इसके बाद बहुत सारी लंबी लड़ाई है, कोशिश ये करनी चाहिए, और जो मुझे पूरा विश्वास है कि होगी, कि कैसे एक इतनी खूबसूरत, इतनी बढ़िया और इतनी सुसज्जित, इतनी फेवरेबल इंडस्ट्री बनाएं कि लोग खींचे चले आए उत्तर प्रदेश की तरफ, कि भाई हमें जो सहूलियत यहाँ मिल रही है, जो सब्सिडी यहाँ मिल रही है, आर्टिस्ट हमें पहले से यहाँ मिल रहे थे, लिखने वाले, पढ़ने वाले, गाने वाले सब पहले से यहीं के थे, तो अब क्यों ना वहीं चल के सीधा काम किया जाए। मनोज जी, मुझे 3 साल में 100 फिल्में ऐसी हैं जो यूपी में शूट हुई, और मुझे लगता है आपके पास तो पूरी गिनती कागज पे होगी मौजूद, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में होने वाले हर चीज का पूरा ब्यौरा रखते हैं अपने पास। तो जब बिना फिल्म सिटी के वहां 3 साल में 100 फिल्में शूट हो जा रही हैं, तो फिर बॉलीवुड पे ये आरोप क्यों लगाना कि साहब ये तो महाराष्ट्र की फिल्म इंडस्ट्री है, उत्तर प्रदेश की अलग होनी चाहिए, जिसका झगड़ा आपने शुरू किया? नहीं, उत्तर प्रदेश की अलग इंडस्ट्री नहीं मांगी मैंने, एक बार आप ये समझें, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक बहुत ही ऑर्गेनिक, बहुत ही नेचुरल तरीके से हर भाषा का अपना सिनेमा है और हर भाषा की अपनी जमीन है। मैं एक सिंपल सी बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी भाषा के पास सिनेमा तो है, लेकिन मेरी भाषा के पास जमीन नहीं है, मेरी भाषा का सिनेमा बेघर है, दरबदर है, परदेसी है, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर मनोज मुंतशिर की जड़ें मुंबई में हैं तो पहले वहां से उखाड़ें और फिर उसको नोएडा में, आगरा में, उत्तर प्रदेश में बसाएं, ऐसा नहीं है। मनोज मुंतशिर मुंबई में भी रह सकते हैं और मनोज मुंतशिर नोएडा में भी रह सकते हैं, मैं दोनों जगह काम कर सकता हूं। खाली ऑप्शन देने की बात है रोहित जी, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात अभी राजू भाई ने कही और रजा भाई ने भी कही कि होता क्या है ना, इतने लोगों को मैं जानता हूं, मैं किसानों मजदूरों के बीच में पला बड़ा हूं, मुझे पता है कितने कलाकार मैं आपको गिना सकता हूं, और यहां बड़े कलाकार इस वक्त आपके पैनल में बैठे हुए हैं जिनकी एक्टिंग स्किल्स पे, जिनकी ओरेटरी स्किल्स पे, जिनके लिखने पे आप उंगली नहीं उठा सकते, इतने बड़े कलाकार हैं वो, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है, उनके पास वो साधन मुहैया नहीं है कि झोला टांगे, अपने घर परिवार को छोड़े, पैसा जुटाएं, मुंबई जैसे महंगे शहर में आके स्ट्रगल करें। ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ये एक मौका मिल रहा है। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि मैंने ये सोच के बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, मैंने ये सोच के बोए नहीं ख्वाबों के दरख्त, कौन जंगल में लगे पेड़ को पानी देगा। तो कितने सपने बॉलीवुड में आने के इसलिए टूट जाते हैं कि लोग घबरा जाते हैं कि मुंबई में हमारा कौन है, मुंबई में हमें कौन खड़ा करेगा। आज जब उनकी इंडस्ट्री खड़ी होगी तो उनको ये बात पता है कि ये तो हमारी धरती है, हमारी जमीन है, यहां तो जाके हम हक से मांग सकते हैं कि हमें काम दो। माल्य अवस्थी से नेपोटिज्म कैसे खत्म होगा? आप ये बताएं, आपको रोहित खुशी हो रही है कि नहीं, पहले मुझे ये बताएं। आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? तो जश्न मनाने का दिन है। नहीं, आप बिल्कुल सब सही कहा, मनोज ने क्या दंगल में मंगल मनाने का दिन है, सारे जश्न मनाए। मैं आपके साथ की बात, मैंने तो सबसे पहला सुबह ट्वीट किया मनोज मुंतशिर का बयान कि दंगल में बैठ के इन्होंने कहा था, और यहाँ बैठ के अगर किसी की बात पर सरकार मुहर लगा दे रही है, जो कदम आगे बढ़ा दे रही है, तो हमें तो आपसे ज्यादा खुशी मनाने का मौका है कि हमारी कही, हमारे मंच से कही सुनी जाती है। लेकिन सवाल यह है कि जिन झगड़ों की वजह से यह फैसला लेना पड़ा, वो झगड़े खत्म होंगे या यहां पे नए शुरू हो जाएंगे? मैं एक बात कहना चाहती हूं, मुझे नहीं लगता, और मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगी कि किसी झगड़े की वजह से यह निर्णय लेना पड़ा। कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के बेहतरी और बढ़ोतरी के लिए निर्णय लेता है, और फिल्म सिटी बनाने का निर्णय एक ऐसा ही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, मनोरंजन की एक ऐसी दुनिया जिसकी कि मांग बहुत समय से स्थायी एक नगरी की मांग चली आ रही है, उसका निर्माण हो, और चुनाव कोई आसपास भी नहीं, तो ये कोई चुनावी मुद्दा भी नहीं है, ये मुझे लगता है सोची समझी बहुत समय से चली आ रही एक मांग है। मनोज जी आपको बताएंगे कि करीब 10-15 दिन पहले मनोज जी घर आए थे
और हमारी उनसे उस दिन भी बातचीत हुई विवेक अग्निहोत्री जी से, तो हम लोग 15-20 दिन से इस पर चर्चा कर रहे थे कि ये होना चाहिए। संयोग है कि ये इस समय ये समाचार आया है तो आप इसको महाराष्ट्र से जोड़ के देख रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी, नेपोटिज्म की जो आपने मुझसे सवाल पूछा, यदि नेपोटिज्म वाकई होता तो आज कानपुर से राजू जी ने अपने दम पर अपना एक मुकाम बनाया है, अपनी हस्ती बनाई है। मनोज मुंतशिर जी ने बनाया है, अमिताभ बच्चन जी ने बनाया है। मुझको भी, मैं सच बताऊं, मुझे यहाँ से वहाँ बुलाकर कभी प्रीतम जी हों या जब भी किसी फिल्म के लिए मुझे गाने के लिए बुलाया गया है तो हम लोगों को यहाँ से वहाँ काम दिया गया है, बुलाया गया है। नेपोटिज्म पूरी तरह से यह ज्यादती करता उत्तर प्रदेश बिहार के कलाकारों से, मैं इसको नहीं मानती। लेकिन दूसरी बात बिल्कुल सच है कि झोला टांग कर घर छोड़ कर के मुंबई जाकर संघर्ष करना वाकई जीवन को एक दांव पे लगाने जैसा है। वो एक सुंदर विकल्प देने का प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी है कि आप अपने नागरिकों के लिए जब तक विकल्प नहीं देंगे तो वो तो जाएगा ही माया नगरी। तो ये विकल्प देने का आज एक काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसका मैं निर्णय का स्वागत करती हूँ। और मुझे लगता है हमारा देश इतना बड़ा है, जिस तरह तेलुगु फिल्में बन रही, जिस तरह तमिल फिल्में बन रही, याद है आपको एक समय ऊटी में कितनी फिल्में बनती थी, इन फिल्मों के निर्माण में मुझे नहीं लगता कि हिंदी फिल्मों के निर्माण से मुंबई के निर्माण में कोई अंतर आ जाएगा, सिवाय इसके कि स्थानीय टैलेंट को बल मिलेगा, लोग यहाँ पे आकर्षित होंगे, यहाँ पे निवेश करेंगे, यहाँ की वो प्रतिभाएं, विशेष रूप से स्त्रियां और महिलाएं जो शायद जा नहीं पाती, सिर्फ सपने देखती हैं। और उत्तर प्रदेश में यदि नोएडा में लगता है तो मुझे लगता है राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बहुत बड़े एक भूभाग को भी साथ, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सबके लिए एक बहुत सुंदर अवसर है कि सब ये मान करके चलें कि जैसे मुंबई है उसी तरह से उत्तर प्रदेश में अब एक बहुत ठोस विकल्प हमारे सामने आ रहा है। और रोहित जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि सूर, कबीर, तुलसी, खुसरो, रैदास, महादेवी वर्मा, फिराक, जिगर और प्रसाद निराला की जो धरती है उत्तर प्रदेश, हिंदी और उर्दू की धरती है उत्तर प्रदेश। यहाँ की भाषा, यहाँ की बोली ने न जाने कितने आज 70 साल में हमें याद करने लायक गाने दिए हैं, कहानियाँ दी हैं। आप गंगा जमुना की बात करें, मैं तो मदर इंडिया से लेकर के आमिर खान साहब की बनी हुई लगान की भी बात करें, शूटिंग भले भुज में हुई लेकिन लखनऊ से ही केपी सक्सेना साहब गए और उन्होंने अवधि में डायलॉग लिखे, क्योंकि जब आपको मुंबई में बैठ करके हिंदुस्तान का एक गांव दिखाना पड़ता है तो आप उसमें बोली और डायलेक्ट जो है अवधि लेते हैं। ये मदर इंडिया से लेकर के स्वदेश तक भी जब बनाई आशुतोष गवारीकर जी ने, तो केपी सक्सेना जी अवधि में उसमें गांव जो दिखाया गया उस गांव की परिकल्पना अवधि डायलेक्ट्स की थी। तो जहां की भाषा, जहां की कल्पना में आपको उत्तर प्रदेश दिखता है, वहां पर एक इंडस्ट्री का स्वागत करना चाहिए। जी, आप लगातार आवाज उठाती रही, मैं इस बात से इनकार नहीं करता, लेकिन उसके साथ साथ इस बात को भी आप जानती हैं, 65 फिल्मों को सब्सिडी मिली उत्तर प्रदेश में उन्होंने जब शूट किया, तो सब्सिडी मिलने का मतलब कि सरकार दिल खोल के खड़ी थी कि आइए हम आपका स्वागत करते हैं यहां पर, अगर आप यहां आकर फिल्म बनाना चाहते हैं। तो 3 साल बाद अचानक योगी सरकार अगर उस समय यह ऐलान करती है अरुण बख्शी जी कि हम उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाएंगे, जिस समय आए दिन टीवी चैनल पर यह बहस हो रही है कि बॉलीवुड में तो नेपोटिज्म है, बॉलीवुड में तो ठेकेदारी चलती है, बॉलीवुड में तो फर्स्ट फैमिली है, सेकंड फैमिली है, ये ही लोग तय करते हैं कौन स्टार बनेगा कौन नहीं बनेगा, तो बख्शी जी ये सवाल तो उठेगा ना कि भाई इससे क्या नेपोटिज्म खत्म हो जाएगा, इससे क्या वो वंशवाद की झगड़े खत्म हो जाएंगे जिनको लेके आप बार बार सवाल उठाते हो। बख्शी जी, सर मैं आपको एक बात बोलूं, हमको तो पता ही नहीं है नेपोटिज्म है क्या, ये कहां बिकता है, हमने तो फाइट करना सीखा है। देखिए, आई कैन गिव एग्जांपल ऑफ माय सेल्फ, I have done 150 to 175 films and as a singer, I have done 323 songs in films. Nepotism सामने अगर विकराल खड़ा भी हुआ है, हमने कभी परवाह नहीं की है सर, with due regards. ये लेकिन ये जो चीज है बहुत अच्छी हो रही है। मैं आपको एक example देता हूँ, एक पगला दीवाना नोएडा में रहता है, वो एक यूनिवर्सिटी बना के बैठा हुआ है फैकल्टी की, वहां एक्टिंग सिखाई जाती है, सब कुछ सिखाई जाती है, उसका नाम है मिस्टर संदीप मारवा। ये 30 साल पहले आदमी वो घूम रहा था, उस वक्त वो जंगल था, आज अकेला आदमी एक यूनिवर्सिटी बना के बैठा हुआ है, लोगों को सिखा रहा है। वहां के लोगों को एक्सपर्टीज चाहिए सर, कलाकारों को एटीट्यूड चाहिए, ये जो नेपोटिज्म है उखड़ के दूर चला जाता है सर जब टैलेंट आता है, टैलेंट का एक अपना ही फ्लो है। यहाँ पे जितने लोग हैं सबने बहुत स्ट्रगल की हुई है सर,
वर्बों से काम नहीं होगा, इट हैज टू बी अ प्रैक्टिकल थिंकिंग। उनको एक्सपर्टीज चाहिए वहां के कलाकारों को। सरकार की नीयत बहुत अच्छी है, चीफ मिनिस्टर साहब ने घोषणा करने के बाद आपने इतना बड़ा ये एपिसोड क्रिएट किया है, इसमें हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और जो हमसे भी सीनियर हैं, रजा जी हैं, एंड ये चीज जो है एक्सपर्टीज चाहिए वहां के लोगों को सर। और मैं आपको और बात बताऊं, 6 महीने पहले की इंडस्ट्री और आज की इंडस्ट्री में जमीन आसमान का फर्क है, और ये 6 महीने और चलेगा। अभी इट इज अ रेनेसेंस फॉर द फिल्म इंडस्ट्री, इट इज अ रीडिस्कवरिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री। आप कितना भी पहले का साहित्य बोल लीजिए, बट प्रैक्टिकल थिंकिंग इज वी हैव टू गिव एक्सपर्टीज टू द पीपल राइट ओवर देयर। वो जो स्टूडेंट्स हैं, वो हर तरह का जो डिपार्टमेंट है। मान लीजिए आप कुछ कहना चाह रही हैं, ठीक है आप बोल लीजिए, फिर राजू जी के पास जाता हूं और राजा जी के पास। बोलिए मान लीजिए जी, आपने जो जी, बस मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहना चाहती हूँ। जो आपने प्रश्न पूछा था और फिर आपने अरुण जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं ये आपको कहना चाह रही थी, जो आपने साथ में प्रश्न जोड़ते हुए उनसे सवाल पूछा था कि इतनी पिक्चरों को सब्सिडी मिली तो फिर फिल्म सिटी की इस समय क्या जरूरत थी। जितनी भी फिल्में यहाँ बनी सिर्फ शूट हुई हैं, एडिट तो वहीं जाकर होती हैं, साउंड रिकॉर्डिंग तो वहीं होती है, गाने तो वहीं पर बनते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन तो सारा वहीं पर होता है। यदि यहाँ पर स्टूडियो बनेगा तो यहाँ पर एडिटिंग स्टूडियो बनेगा, यहाँ पर जितना जो मारवा स्टूडियो का जिक्र कर रहे हैं उतने सिनेमाटोग्राफर, इतने टेक्नीशियंस आखिर जाकर रोजी रोटी आपके टेलीविजन स्टूडियो में ढूंढते हैं या फिर मुंबई जाते हैं, उनको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। क्यों कोई भी आदमी अपना घर छोड़ करके जाए? तो एक स्टूडियो बहुत फुल फ्लेश एक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हम जब स्टूडियो की बात कर रहे हैं तो जमीन के टुकड़े की बात नहीं कर रहे, वहां पे उनको इस प्रकार की तकनीकी सुविधाएं भी तो दी जाएंगी कि टैलेंट को जाना क्यों पड़े। पिक्चर शूट हुई है फिल्म सिटी बन जाएगी, रिलीज होने फिर जाए, क्योंकि चुनाव हो जाएगा 2022 जी, चुनाव हो जाएगा 2022, ये तो लंबा काम है। क्या उसके पहले ये खड़ा देख पाएंगे हम? मुझे लगता है कि दो साल तो कम से कम होने चाहिए। मुझे लगता है 2 साल तो कम से कम, क्योंकि बड़ी चीज है जमीन। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी को जो तेजी रहती है उसमें मैं मान के चल सकती हूँ कि उनकी प्राथमिकता में ये काम रहेगा, और बाकी तो प्रशासकीय कार्यवाही उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहूंगी। मुझे लगता है मैं उनके जितना उन्हें जानती हूँ, मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो उन्होंने अपने हाथ में चीज ले लिए तो ये हो के रहेगी, सिर्फ वादा नहीं होगा, बस ये ठीक है। क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछना जरूरी हो जाता है राजू श्रीवास्तव, क्योंकि मैंने अभी खबर से पढ़ के सुनाया, अखबार में छपा 2015 में, रवि किशन उन्होंने मुख्यमंत्री से बात की, अखिलेश यादव ने मंजूरी दी और कहा कि फिल्म सिटी बनेगी, और जहां मैं पढ़ पा रहा हूं 300 एकड़ के आसपास जमीन को मंजूरी भी दे दी गई थी, लेकिन वो आज कहां है किसी को नहीं पता है। अब उस पर जवाबदेही किसकी है ये भी देखने वाली बात है। पर राजू जी, नेपोटिज्म का जो सवाल है, क्या ये इंटॉलरेंस के सवाल जैसा है जी? मैं बता कि भाई किसी किसी को दिखता है, किसी किसी को नहीं दिखता, और नेपोटिज्म भी किसी किसी को दिखता है, किसी किसी को नहीं दिखता। नहीं, मैं मालनी जी और अरुण बख्शी जी की बात से पूरा एग्री करता हूँ। नेपोटिज्म जैसा कुछ कोई शब्द नहीं है, हमने कभी इसको फेस नहीं किया। हम सब बाहर से आए, यहाँ जितने लोग पैनल में आर्टिस्ट बैठे हैं सब लोग इसी तरह से आए और अपने टैलेंट के बल पे इन्होंने अपनी जगह बनाई। तो ऐसा कुछ नहीं, कंगना रनावत जब भी आई थी तब भी उनके पीछे कोई नहीं था, उन्होंने अपने दम पे यहाँ जगह बनाई। सबको चांस मिलता है, टैलेंटेड व्यक्ति को चांस मिलता है, फिर चाहे बाहर वाला हो चाहे अंदर वाला हो। अभी आप जो बात कर रहे थे कि फिल्म सिटी की, इस तरह से कई बार प्रस्ताव आए लेकिन हुआ कुछ नहीं। मैं आपको बताऊं कि मैंने कई बार हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर्स और ऐसे इच्छुक लोगों को हमने यूपी में इनवाइट किया, हमारे अवनीश अवस्थी जी ने और हम लोगों ने मिलके। तो बोनी कपूर जी आए, बोनी कपूर जी से चर्चा हुई, उन्होंने नोएडा में जगह वगैरह देखी, उन्होंने कहा कि यार नोएडा में जगह बहुत महंगी है, मैं कैसे बनाऊं, बनाना तो चाहता हूं फिल्म सिटी, कैसे बनाऊं। इसलिए हमेशा कुछ न कुछ बाधा आती थी और ये अटक जाती थी। अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि जैसे हम फिल्म मेकिंग में प्रोड्यूसर को सब्सिडी दे रहे हैं, क्यों ना हम फिल्म सिटी बनाने वाले को भी सब्सिडी दें, ताकि उसको उतना भारी ना पड़े, बोझ ना पड़े। एक ये चीज़ उन्होंने सॉल्व करने का हम लोगों से वादा किया है। दूसरी एक समस्या ये आ रही है कि अब बहुत सारी फिल्में थिएटर में रिलीज़ नहीं हो पा रही हैं, OTT पे जाएंगी, OTT पे रिलीज़ हो रही हैं, या वेब सीरीज़ की बाढ़ आ गई है, तो इनको अभी तक हम सब्सिडी नहीं देते थे। हमने मांग की है मुख्यमंत्री जी से कि किसी तरह से इनको भी सब्सिडी में शामिल कर लिया जाए। तो फिल्म के डेवलपमेंट के लिए जो भी मैक्सिमम हो सकता है
हम इसके लिए हम लोग लगे हुए हैं और हमें इस बात की खुशी है कि मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को पूरी तरह से सुनते हैं, समझते हैं और जल्दी जल्दी निर्णय ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी राहत होगी अगर फिल्म सिटी बनाने वाले उद्योगपति को या उसको हम सरकार की तरफ से अगर इस तरह से सब्सिडी मिलती है। रजा मुराद साहब, इसलिए ये मामला कॉन्क्रीट नजर आ रहा है। ठीक है रजा मुराद साहब, सब लोग तारीफ कर रहे हैं, मैं भी तारीफ कर रहा हूं, होनी भी चाहिए, अगर कोई अच्छा काम होता तो खुल के उसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि उस अच्छे काम की नींव में अगर विरोधाभास है, अगर उस अच्छे काम की नींव में यह सवाल है कि साहब झगड़ा ही शुरू इस बात से हुआ था कि महाराष्ट्र में हमारे साथ नाइंसाफी हो जाती है, हम किसी बात पे सवाल उठाते हैं तो हमको बाहर का बता दिया जाता है, थाली में छेद तक की नौबत आ गई बात कहने की जया बच्चन जी को संसद के अंदर खड़े होके, तो फिर ये सवाल तो साथ साथ रहेगा, इसको कैसे हटाएंगे माथे से कि इन्होंने अपनी बना ली, देखो अलग से जाके इनको बाहर करो। मेरे ख्याल से ये जो योगी जी का कदम है इसे हमें कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, रीजनलिज्म को अगर हम परे रखें तो बेहतर होगा। देखिए ऐसा नहीं है, मुंबई में जितने भी टैलेंटेड कलाकार आए हैं सब बाहर से आए हैं, वो अमिताभ बच्चन हों, वो मिथुन चक्रवर्ती हों, वो धर्मेंद्र हों, वो शत्रुघ्न सिन्हा हों, सब बाहर से आए हैं और सब अलग अलग रीजन से आए हैं। अमित जी यूपी से आए हैं, मिथुन बंगाल से आए हैं, धर्म जी पंजाब से आए हैं और शत्रु जी बिहार से आए हैं। उनमें दम था, उनमें टैलेंट था। देखिए हमारी इंडस्ट्री में जगह नहीं होती है, आपको जगह बनानी पड़ती है। और ये जो नेपोटिज्म की बात हो रही है इसमें एक एडवांटेज ज़रूर होता है कि जो स्टार सन्स और स्टार डॉटर्स होते हैं उन्हें काम जल्दी मिल जाता है, क्योंकि उन्हें लेने से ज़रा प्रोड्यूसर डायरेक्टर को सुविधा भी होती है, दर्शकों में भी उत्सुकता होती है कि भाई फलां एक्टर का बेटा है, फलां स्टार का बेटा है, कैसा होगा। तो ये बातें हैं, ठीक है, लेकिन चलता वही है जिसमें दम होता है। हजार बर गिरें लाख आंधियां आएं, हजार बर गिरें लाख आंधियां आएं, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जिन फूलों को खिलना है, जिनमें टैलेंट है, उन्हें कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। टैलेंट जो है वो एक तूफान की तरह है, आप उसे बांध कर नहीं रख सकते। तो जितने भी लोगों का मैंने जिक्र किया है सब ने अपनी जगह बनाई, बहुत उम्दा जगह बनाई, उनके लिए कोई रेड कारपेट नहीं खोला गया था, उन्हें वेलकम नहीं किया गया था, उन्हें बुकेस नहीं पेश किए गए थे, उन्होंने खुद अपनी जगह बनाई। आप महाराष्ट्र में हो, आप यूपी में हो, आपको अपनी जगह अपने बलबूते पर, अपने टैलेंट पर खुद बनानी है। और इसे हम बिल्कुल एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से लेते हैं कि एक बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। फिल्में मुंबई में बने या फिल्में यूपी में बने, फिल्में वो अच्छी होती हैं जो दर्शक के दिल को भाती हैं, उन फिल्मों को देखने में मजा आता है जिसमें हमारे देश की मिट्टी की खुशबू हमको आए। तो मुझे ये उम्मीद है कि यूपी में जो फिल्में बनेंगी उससे हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उन कैरेक्टर्स को कर पाएंगे, और जो हमारी हमारे देश की भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू है उन फिल्मों को देखकर हमें वो खुशबू आएगी। तो कंस्ट्रक्टिव वे में लेते हैं और इस कदम का खैर मकदम करते हैं। वो एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानेब मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानेब मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अभी उन्होंने इसकी घोषणा की है और मैं समझता हूं कि क्योंकि ये एक बहुत ही नेक काम है तो लोग इससे जुड़ेंगे, लोग आगे आएंगे, फिल्में बनेंगी, फिल्में कामयाब होंगी और एक बहुत ही अच्छा नतीजा सामने आएगा। तो गजोदर भी सुपरस्टार हो जाएगा क्यों राजू जी? वैसे तो आप सुपरस्टार ही हैं लेकिन अब गजोदर भी सुपरस्टार हो जाएगा जी, फिल्म इंडस्ट्री यूपी आ जाएगी तो जी हर कोई सुपरस्टार हो जाएगा जो काम करना चाहता है, जो डेडिकेटेड है, टैलेंटेड है, सबको मौका मिलेगा। और एक बात मैं आपके चैनल के मार्फत और भी क्लियर कर दूं कि फिल्म सिटी यूपी में बन रही है, इसका मतलब नहीं कि सारी वही फिल्में यहाँ शूट होंगी यूपी के लोगों के लिए या यूपी की भाषा के लिए, वो तो बनेंगी। बंगाली फिल्म की शूटिंग हो, साउथ की फिल्म की शूटिंग हो, सभी का स्वागत रहेगा। तो हमारा मतलब है रोजगार सृजन से भी है, अगर दूसरी लैंग्वेज की फिल्म और बाहर के लोग आके अगर हमारी लखनऊ की फिल्म सिटी में शूटिंग करेंगे, नोएडा की फिल्म सिटी में, तो स्थानीय लोगों को उसमें काम तो मिलेगा ही।
तो योगी जी इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित ही हैं और गंभीर भी हैं कि कैसे यहाँ पर रोज़गार बढ़ाए जाए और ताकि लोगों को बाहर दूसरे प्रदेशों में भटकना ना पड़े। मनोज मुंतशिर, ऐसा तो नहीं कि वहाँ फिल्म इंडस्ट्री में ये झगड़ा होता था कि साहब सारे डायरेक्टरों के, प्रोड्यूसरों के, फिल्म स्टार्स के बच्चे ही हीरो बनते हैं, यहाँ ये झगड़ा हो जाएगा कि सब नेता के ही बच्चे हीरो बनना आ गए कि भाई नेता का बच्चा है तो इसको हीरो बनाओ, नेता के बेटे इसको हीरोइन बनाओ? नहीं देखिए, एक पहली बात तो मैं बताऊं कि ये तो हमारे सामने पूरा का पूरा एग्जांपल है, हिस्ट्री हमारे सामने है कि डायरेक्टरों के, प्रोड्यूसरों के, बड़े लोगों के बच्चों को हीरो बनाने वाला अंततः तो उस सिनेमा देखने वाला है जो 200 रुपए का टिकट लेके जाता है। आप एक पिक्चर में डाल दें, दो पिक्चर में डाल दें, तीसरी पिक्चर में हम उनको जमीन के लिए आएंगे अगर हमें वो पसंद नहीं आए तो। तो आखिरी जो पावर है ना वो तो जनता के हाथ में है। मैं इसलिए बार बार नेपोटिज्म की बात आती है तो मैं नेपोटिज्म को बहुत महत्व इसलिए नहीं देता कि सिनेमा फैमिली बिजनेस है, हम इसको मान लें। ये बात आपके लिए अनकंफर्टेबल ट्रूथ हो या कुछ भी हो, पर ये ट्रूथ है, ये सच है कि सिनेमा फैमिली बिजनेस है। गल्ले पे मेरा बेटा ही बैठेगा, अगर मैंने गल्ला बनाया है, मैंने धंधा खोला है, मेरे गल्ले पे मेरा बेटा बैठेगा। लेकिन ये भी सच है कि मैं अपने गल्ले पे बेटे को एक ही बार बिठा सकता हूँ, दोबारा तो जनता के हाथ में है, अगर जनता को नहीं पसंद आया तो कहानी खत्म। दूसरी बात रोज जी, एक आखिरी बात मैं कह के खत्म करूंगा कि हम, मेरी अपील है ये जितने भी लोग इस वक्त मुझे इतने बड़े शो के जरिए, दंगल के जरिए देख रहे हैं और आपके जरिए सुन रहे हैं कि ये बंटवारा नहीं है, ये एक मौका है। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय होता है और लखनऊ में दूसरा विश्वविद्यालय बनता है तो बात यह है कि भाई आपको चॉइस दी गई है, आप वहां पढ़ो, आप यहां पढ़ो, देश आपका है। तो ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र की या मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री यूपी वालों के लिए बंद हो जाएगी या यूपी वालों के लिए उसके दरवाजे बंद हो जाएंगे, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है, मेरी भाषा के सिनेमा को उसकी जमीन मिल रही है, मैं इसका खुली बाहों से स्वागत करता हूं और मैं तारीफ करता हूं योगी जी की जिन्होंने ये कदम उठाया और कर दिखाया। लेकिन मनोज जी, पिछले एक हफ्ते से, माफ कीजिएगा, जो लोग आपको टीवी पे देख रहे होंगे मुंबई वाले बैठ के, न्यूज चैनल पे खास तौर पे, उनमें से कल आपको कोई कह दे कि जाओ अपनी फिल्म इंडस्ट्री में गाना लिखो, यहां मत आओ, तो हैरान मत होइएगा। रोहित साहब कह नहीं सकते, मैं आपको बता रहा हूं, अगर कह सकते हैं ना तो मुझे कह दे, मैं तो आपके चैनल पे बोल रहा हूँ, मुझे इसका कोई खौफ नहीं है। मैं एक वैल्यू लेके आता हूँ, जब मैं लिखने बैठता हूँ ना तो मैं एक वैल्यू लेके आ रहा हूँ, जिस दिन मेरे शब्द मेरा साथ छोड़ देंगे पूरी इंडस्ट्री मेरा साथ छोड़ देगी, फिर ना मुझे यूपी में काम मिलेगा ना मुझे महाराष्ट्र में काम मिलेगा। जब तक मैं तेरी मिट्टी में मिल जाऊंगा लिख रहा हूं, तब तक इस इंडस्ट्री को मेरी जरूरत है, क्योंकि ये कला की इंडस्ट्री है, ये किसी रंग की, किसी जाति की, किसी वर्ण की इंडस्ट्री नहीं है, मुझे काम मिलता रहेगा, मुझे कोई खौफ नहीं। चलिए देखिए, इत्तेफाक की बात है कि आज हमारे पैनल पे एक तो सब एक सुर में है, दंगल में वाकई मंगल हो रहा है, और दो ऐसे कलाकार हैं जिनके गाने लोगों की जुबान पे रहते हैं और ऐसे मौके पे उनसे गाना सुने बिना जाने दिया जाए तो नाइंसाफी हो जाएगी दर्शकों के साथ। माननी जी, पहले आप सुनाइए, फिर अरुण जी से भी कुछ लाइनें सुनेंगे। पहले अरुण जी गाए हैं तो चलिए पहले अरुण जी से। लेडीज फर्स्ट ऑलवेज मैम। आप देखिए, ये ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री आ रही है तो पहले आप ही चलता रहे, समय कम है, गाना दोनों का सुनना है। चलिए, कौन गा रहा है पहले? मालनी जी गा रही है। चलिए मैं गाता हूं, मनोज जी से कह रही हूं, बात आज फोन पे अरुण जी गा रहे हैं पहले। मालनी जी तैयार हो गए, आपकी बात सुनाइए अरुण जी। अच्छा, सुनाइए। मैं आपको अपना पहला गाना ही सुनाता हूँ जो मैंने, हमारा एक गाना था तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना। तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, आसमा को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकी है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, गिरते को बढ़ के उठाने वाला चाहिए, या भूले को रास्ता, वन टू थ्री फोर, भूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए, चुन्ना चुन्ना तक तक चुन्ना, अरे चुन्ना चुन्ना तक तक चुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकी है दुनिया झुकाने वाला चाहिए, गिरते को बढ़ के उठाने वाला चाहिए, या भूले को रास्ता। बहुत खूब अरुण जी, आपने तो बोल भी ऐसे चुने जो मौके पे एकदम मुफीद थे। भूले को रास्ता दिखाने वाला चाहिए,
झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत अरुण जी। मान लीजिए चलने से पहले आखिरी आपका गीत। जी जी रोहित, मैं पहले तो वो गा रही हूँ जिस जो हमारे यहाँ रेल पे सवार होके जितने स्ट्रगलर्स उस जमाने में भी जाते रहे, आज भी जाते हैं कुछ ना कुछ बनने के लिए, वो बॉम्बे वीटी स्टेशन पे ही उतरते हैं। और मुझे लगता है ये गांव में हमारे यहाँ गाए जाने वाला ये गाना उसके लिए बड़ा मुफीद है। उसके बाद मैं फिल्म में अपने गाए हुए गाने से ही खत्म करूंगी। हाय हाय रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन जौन सहरवा को सैया मोर जई है, आगे ला गए सहर जल जाए रे, आगे ला गए सहर जल जाए रे, रेल में बैठ के अरे यूपी को लौट आए रे, रेलिया बैरन यू तो प्रेमी 75 हमारे, ले जा तू कर 77 इशारे, दिल मेरा मुफ्त का, दिल मेरा मुफ्त का। तो ये जो मैंने फिल्म में गाया वो बहुत भी सुनाया, और सबसे बड़ी बात ये गाया जाता है, मैंने ये भी ये कहते हुए गाया कि भगवान करे ये स्ट्रगल खत्म हो और अब यहीं पर रोजगार मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। दंगल में आज उस तरीके का दंगल नहीं हुआ, कम से कम मनोज मुंतशिर लगता है जाते जाते एक शेर सुना ही देंगे। अब मनोज जी सुना दीजिए आखिरी में फटाफट से। तो मैं तो अगर शेर सुनाना ही है तो मैं नजर कर देता हूँ योगी जी को, जिन्होंने तुरंत इमीडिएट एक्शन लिया। एक शेर है इकबाल साजिद का कि प्यासो रहो ना दश्त में बारिश के मुंतजर, जंगल में बरसात का इंतजार मत करो, प्यासो रहो ना दश्त में बारिश के मुंतजर, मारो जमीन पे पांव के पानी निकल पड़े। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजू जी अब आप क्यों मिस कर रहे हैं सर, मौका है आज तो सुना दीजिए। हाँ मैं जी जी मैं अपने कानपुर की बात बताता हूँ कुछ। कानपुर में बहुत दोस्ती बहुत है और सब छुट्टी के मूड में होते हैं, तो इतने छुट्टी के मूड में होते हैं, एक बार बम फटा तो मान ही नहीं रहे, अबे छोड़ो यार कहाँ फटा, नहीं यार अरे झूठ बात है, कोई कह रहा फूलबाग में है रेलवे स्टेशन में, अरे नहीं यार, अरे अब हुआ है, किसी ने बोला नहीं नहीं सही में फटा है, अच्छा चलो दो चार दिन छुट्टी तो होगी यार। तो एक बार मैं कानपुर में था, एक रेस्टोरेंट में चला गया खाना खाने जी, रेस्टोरेंट चला गया खाना खाने, तो मैंने कहा हाँ भाई लंच लंच में क्या है, तो बोले साहब अभी खाना कैसे मिलेगा, ये तो लंच टाइम है। हमने कहा लंच करने आए हैं। नहीं नहीं साहब लंच टाइम है ना, तो वेटर लोग लंच कर रहे हैं। हमने कहा मतलब, तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ, मैनेजर तो परस रहे हैं। हमने कहा अच्छा मालिक कहाँ तुम्हारा, वो देखो खा के टेबल के नीचे लेटे हैं। साहब अगर आपको लंच करना हो तो आप सवेरे सवेरे 8 बजे आ जाइए, आराम से लंच करा देंगे, भीड़ भी नहीं होगी, लंच टाइम में तो वेटर लोग लंच करते हैं। रजा साहब आखिरी बस कोई ऐसा डायलॉग कोई शेर आप जो सुनाना चाहें, लोगों को ये लगे कि बॉलीवुड वाले रोज आते हैं तो केवल झगड़ा ही नहीं होता। जी जी देखिए भाई, भाई मेरे देखिए, बड़ा अच्छा लगा आपने तमाम आज क्रिएटिव लोगों को इकट्ठा किया है, और ये वाकई दंगल नहीं है आज, ये मंगल है, इसने एक एक अलग ही रुख इख्तियार कर लिया है। तो मैं अपने तमाम साथियों को मुबारकबाद देता हूँ और स्पेशली राजू श्रीवास्तव को। मैं बहुत पहले से इन्हें जानता हूँ, जब ये एक स्ट्रगलिंग एक्टर थे तो मैंने अपनी आंखों के सामने इन्हें ग्रो करते हुए देखा है, स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ जाते हुए देखा है, और बहुत अच्छा ये नेक काम करते हैं, सबका दिल खुश करते हैं। तो इनकी नज़र में ये एक शेर करता हूँ कि नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले सकती। क्या बात है, बहुत खूब। किसी को उदास करना, किसी की आंखों में आंसू लाना बड़ा आसान है, लेकिन किसी मुरझाए हुए चेहरे पे मुस्कुराहट ले आना, खुशी बिखेरना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत सवाब और पुण्य का काम है। तो राजू जी मेरी तरफ से ये एक आपको मैंने खिराज अकीदत पेश की है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज दंगल का हिस्सा बनने के लिए और इतनी खूबसूरती से इस पूरे मसले पर अपनी अपनी बात रखने के लिए। अब देखने की बात यह है कि सरकार ने वादा तो किया है, पूरा होने में यह कितना वक्त लेता है और जो बातें आज कही जा रही हैं इस वादे के साथ वो जमीन पर आती हैं तो कैसी दिखाई देती है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आगे हल्ला बोलूंगा, आप देख रहेगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।